नमस्कार दोस्तों, रेस्क्यू टीम भाड़ोजा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले एक घंटे से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सांप जो है इन पत्थरों के अंदर छुप गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए हैं। हमने इधर से उधर, उधर से इधर करके दो तीन बार पलट दिए, लेकिन सांप जो है एक बार दिखा था लेकिन वापस गायब हो गया। इन पत्थरों में कहीं छुप गया है, इसीलिए इसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सांप एक बड़ा लंबा सा सांप है, कौन सी प्रजाति का है ये भी नहीं पता अभी तक। और ये बड़ा सा पत्थर हटा लेता हूँ मैं, और ये दूसरे पत्थर भी हटा लेता हूँ मैं, और इन थोड़े से पत्थरों के नीचे ही छुपा हुआ है सांप, और वो दिख रहा है शायद कोने में, इस पत्थर के नीचे हो सकता है। ओह माय गॉड, ये रहा सांप। ओह माय गॉड, इसकी पूंछ पकड़ के खींच लेता हूँ उसको बाहर। ओहो, काफ़ी खूबसूरत स्नेक है ये, लंबा सा, काफ़ी लंबा यहाँ पर फंस गया है इन पत्थर के नीचे। और कहाँ है ये? ओह माय गॉड, वाओ, व्हाट अ स्नेक दिस इज़। दोस्तों, यह सांप काफ़ी खूबसूरत है। यह एक लंबा काले कलर का धामण सांप है दोस्तों, यह धामण सांप है दोस्तों, और इसका वैज्ञानिक नाम है पटियास मिकोसा। दोस्तों, इसको ओरिएंटल रेड स्नेक या फिर इंडियन रेड स्नेक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये धामण सांप है, नॉन वेनमस है, बिना जहरी ना। इसकी स्पीड बहुत रहती है, घोड़ पछाड़ है ये, को है दौड़ में घोड़े को भी पीछे रख देता है। तो दोस्तों, धामण सांप की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको घोड़ पछाड़ सांप भी बोलते हैं, क्योंकि यह अपनी स्पीड से सबको चौंका देता है। यह बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट भागता है, इसीलिए कई खेत में वगैरह में अगर दिख जाए ये तो फटाक से गायब हो जाता है, या कहीं पे भी कॉन्टेक्ट में भी आ जाता है इंसानों का तो ये फटाक से गायब हो जाता है। इसमें स्फूर्ति काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, और इसको घोड़ पछाड़ या घोड़ा पछाड़ स्नेक भी कहा जाता है। काफ़ी फुर्तीला होता है, काफ़ी रफ्तार होती है इसमें। और देखिए दोस्तों, इसका कलर की बात करूँ मैं तो ये हल्के भूरे रंग का होता है। इसी के साथ इसका जो नीचे वाला भाग होता है उस पर पीली पीली धारियाँ भी होती हैं, ऊपर से हरा या फिर काले कलर का भी हो सकता है, कलर का ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों, ये जो धामण सांप होता है ना, ये इसको इंडियन रेड स्नेक या फिर ओरिएंटल रेड स्नेक भी कहा जाता है। इसका जो फेवरेट स्नैक्स है वो चूहे हैं, चूहों को खाता है ये, इसी के साथ मेंढकों को खाता है, कहीं पर पशु पक्षियों के अंडे वगैरह दिख जाते हैं तो उनको भी खा जाता है। और दोस्तों, कुल मिला कर ये सफाई का काम करता है, अगर किसी बाड़े में वगैरह आ जाए तो। वैसे तो पैर पटने पर ये काट सकता है, नॉन वेनमस होता है, इसमें जानलेवा विष नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब इंसान घबरा जाता है तो उसके साथ हेल्थ इश्यूज आते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों सांप वेनमस हो या नहीं हो लेकिन इंसान घबरा जाता है, डर जाता है काफ़ी ज़्यादा, वो एक बड़ी समस्या रहती है। लेकिन दोस्तों, ये जो धामण सांप होता है ये सफाई का काम करता है, पृथ्वी पर काफ़ी सारे चूहों को खा जाता है और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, धामण सांप को रेस्क्यू कर लिया है सुरक्षित हमने, और इसी के साथ यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में भीड़ भी इकट्ठी हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों, धामण सांप है ये, काफ़ी खूबसूरत स्नेक है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। कंपेरेटिवली अगर कोबरा स्नेक होता है तो काफ़ी ज़्यादा अपने फनों को फैलाकर हमला करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, इस प्रकार से उसको हाथ में पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है कंपेयर टू धामण सांप। दोस्तों, यहाँ पर लोग हाथ लगाना चाहते हैं कि पता कैसा होता है इसका स्पर्श। ओहो, ओह भाई साहब, डर रहे हैं यहाँ पर ये हाथ लगाने। ओ, लगा दिया फाइनली, ये स्पर्श टच। ओह माय गॉड, डर गए भाई साहब। सांप को हाथ लगाना चाहते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, लेकिन बार बार प्रयास कर रहे हैं। ओह, फाइनली लगा लिया इन्होंने हाथ, अभी डर रहे थे लेकिन अब लगा दिया इन्होंने। और देख रहे हैं कि कैसी फीलिंग आती है सांप का, जो स्पर्श होता है वो कैसा होता है, उसको स्पर्श करने पर कैसा फील होता है, क्योंकि स्पर्श करने पर दिमाग में कई सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनसे एक अलग ही सेंसेशन, अलग ही अनुभूति मिलती है। और यहाँ पर फिर से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नॉन वेनमस है तो ये सोच रहे हैं कि भाई लगा ही देते हैं, मौका अच्छा है, फिर कब मिलेगा। और ये हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब है गांव भाणुजा के।
गोपाल जी ये भी हाथ लगा रहे हैं और दर्शक भी है। और दोस्तों ये सांप जो है स्क्वायरल शेप में पूरी तरीके से लिपट जाता है हाथ के पैर के गले में। और दोस्तों सांप जो होता है सांप को शिव जी गले में धारण करते हैं। परसों दिन में मुझे यहाँ पे सांप दिखा था, मैंने गणपति जी हमारे गांव में सांप पकड़ने का जो काम करते हैं उनको मैंने सूचना दी। दो दिन से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, रात को उसके दूध निकालना आती है ये भी परेशान रहती है, हमने इनको सूचना दी और आज सुरक्षित इस सांप को इसका रेस्क्यू कर दिया। और दोस्तों सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करके डब्बे में हमने भर लिया है और डब्बे के बारा भी कर दिया है। इसको बहुत ही जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर इंसानों से दूर जंगल में इसको रिलीज़ कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक गाड़ी पड़ी हुई है, परिवर्तन संकल्प यात्रा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रेस्क्यू था आज, कड़ी मशक्क़त के बाद इसको कर लिया गया। थैंक यू।